अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स अप माय फूडी पीपल, दिस इज मेरा विद वेयर इज द फूड। यार मैं आज आप लोगों को लेकर आई हूँ नाज़माबाद नंबर एक पे, जहाँ मैंने कोई बहुत ही पुराना जो है वो बर्गर पॉइंट डिस्कवर किया है। बेसिकली वही अंडा शामी बर्गर है इन लोगों का, और 1944 से जो है इन्होंने यहाँ पे ये शॉप लगाई हुई है, और इसी के बराबर में एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा है, इसने 4 महीने पहले यहाँ पे स्टॉल लगाया है। बेसिकली उसका एक छोटू सा स्टॉल है फ्रेंच फ्राइज का। यार आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर दिस पॉइंट विद यू गाइस, तो आई गेस without any further ado, let's go. ये रहा जिस बर्गर पॉइंट का मैंने आपको बात किया था, शफीक भाई बर्गर पॉइंट। बहुत ही कोई स्टैंडर्ड वाला है ये, और ये 1944 से ये यहाँ पर है, और जिस बच्चे की मैं आपको बात करी थी वो ये रहा, क्यूट सा बच्चा। हाय करो कितना क्यूट है ना ये दोनों एक साथ है यहाँ पे। हम बर्गर भी खाएंगे और हम इसके फ्राइज भी खाएंगे, तो हमारा आज 2 कोटा पूरा होने वाला है। बच्चा इतना कोई क्यूट है, इसको 4 महीने पहले इसने ये स्टॉल लगाया है, और लिटरली मैं इससे बातें कर रही हूँ, कोई भी आ रहा है उसको बोल रहा है शुश, अभी मैं इससे बातें कर रहा हूँ। मतलब इतनी क्यूट हरकत लगी है मुझे ये, यार माशाल्लाह माशाल्लाह, जो होप ये तरक्की करे। सीरियसली मैं आप सबसे बोलूँगी कि आप लोग यहाँ पे आएँ और प्लीज़ इसको सपोर्ट करें। वाई? बिकॉज अगर फ्राइज खाने और दोस्तों के साथ बॉयज़ नाइट आउट है कुछ भी है ना, तो नाज़माबाद नंबर वन पे और इसके फ्राइज ज़रूर खाओ, बिकॉज इट्स एक्चुअली वेरी यम्मी। अच्छा मैं एक और चीज़ आपको बताने चलूँ कि ये शॉप हमेशा से ऐसी नहीं थी, ये शॉप स्टार्ट थी एक छोटे से ठेले से जो उधर की साइड पे लगता था, चला से एक पूरी शॉप बना ली है जो ये रही और जो आपको दिख रही है। तरक्की माशाल्लाह माशाल्लाह, पुरानी है यार जगह, 1944। ये शामी कबाब वाला है और ये दाल वाला है, तो भाई ये शामी कबाब वाले बन कबाब जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, और ये हैं इनके दाल वाले जिसको अंडे में पहले ही कोट किया हुआ है इन्होंने। अच्छा ये बन किस तरह से रख रहे हो आप, बनवा बना के इसे रख रहे हो यहाँ पर? ओह जबरदस्त, वाह भाई, ओए होए। अच्छा फोन बनाएंगे मेरे पास, बल्ब लग गया। और ये 80 वाला है ना? नहीं 70 वाला, ये है 70 वाला। ये था इनका चिकन अंडा का बर्गर है, सही है, और ये काइंड ऑफ यूनिक है क्योंकि मैंने इस तरह वाले बर्गर कभी भी कहीं पे भी नहीं देखे। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने चिकन के रेशे को पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा अंडा फेंटा है, उसके बाद इन्होंने चिकन के जो रेशे जिनकी मैरिनेटेड चिकन थी उसको डाला है उन्होंने बोल के अंदर, और फिर राइट आफ्टर इन्होंने इस तरह से ऑयल के अंदर इसको फ्राई कर दिया है। तो ये है चिकन अंडा बर्गर। बताऊंगी कितने मज़े का टेस्ट होने वाला है इसका, बिकॉज इट्स एक्चुअली वेरी मज़े का, क्योंकि ये दिखने में बहुत ही कोई लजीज लग रहा है, तो अब देखते हैं ये खाने में कितना लजीज है। ये हो गया है तैयार, लुक एट इट, कितने मज़े का लग रहा है। अच्छा भाई इन्होंने बेस में डाली है चटनी, उसके बाद इन्होंने डाली है प्याज, फिर उस पर डाला है चाट मसाला, और इस तरह से जो है ना फिर जा रहे हैं ये।
लेके जा रहा है अंडा और चिकन फ्राई हुआ। वाह, मतलब कि ना फुल ज़बरदस्त किस्म का जो है ना सीन हो गया ये। आई एम हंग्री नाउ, आई एम सो हंग्री। ओए ओए, ये देखें बेहतरीन किस्म का आप लेयर देख रहे हो अंडा और चिकन की। ओह ओ, दो बर्गर एक मैं, और दोनों मैं खाऊंगी। ये रहा मज़ेदार सा मेरा शामी बर्गर, और ये रहे वो छोटू से बच्चे के चिप्स, बहुत ही बेहतरीन किस्म के, क्योंकि मैंने अभी चखे हैं। ओए ओए, एंड आई कांट वेट टू ट्राई। और ये रहा वो मज़ेदार सा चिकन वाला बर्गर, ये अंडा है और इसकी फिलिंग के अंदर है चिकन। लेट मी शो यू, ये रहा वो बर्गर चिकन वाला जिसके अंदर बेहतरीन किस्म का जो है ना वो चिकन फिल हुआ हुआ है, और अंडे में इसको लपेटा है एंड देन उसके बाद उसको फ्राई किया है। तो आई गेस दिस इज सम काइंड ऑफ अ यूनिक बर्गर, और मैं इसी से शुरू करती हूँ खाना। चटनी एज ऑलवेज, चटनी में किया डिप। ओके, लेट्स गो। वाओ, क्लब सैंडविच की जैसे चिकन होती है, चिकन बिल्कुल वैसे बनी हुई है, बस फ़र्क इतना है उस चिकन को इन्होंने अंडे में डाला है और पकाया है। वाओ, देसी क्लब सैंडविच बर्गर होता है ना, बिल्कुल वैसा टेस्ट आ रहा है। बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा है, इट्स एक्चुअली वेरी गुड। शामी बर्गर सही है। अच्छा, ये विदाउट अंडे का है, ये रहा इसके अंदर शामी। ज़ूम इन प्लीज़। ये रहा शामी कबाब, ये रहा बर्गर। अगेन इसको हमने चटनी में डिप किया। एंड लेट्स टेस्ट। दाल चावल होते ना उसके साथ ये कबाब बड़ा बेहतरीन ज़्यादा। मतलब वाकई में बहुत पुराना बर्गर का पॉइंट है ये, और इसका टेस्ट एक्सट्रीम मज़ेदार है। नॉट द लोकल वाला जो हम जैसे सदर में खा रहे होते हैं, इसका ज़्यादा मज़े का है। और ये रहे वो बच्चे के फ्राइज। भाई मैंने चाट मसाला इन पे डाला हुआ है, साथ में इस पे चिकन पाउडर भी डाला हुआ है, बिकॉज़ जब आप खाते हो ना यहाँ पे लोकल फ्राइज़ तो चिकन पाउडर जो है वो टेस्ट आपका बहुत बढ़ करता है, तो साथ में वो जो एक चिकन वाला फ्लेवर आ रहा होता है ना वो चिकन पाउडर का आता है। इसमें थोड़ा सा मेयो भी डाल के दिया है। इट्स गुड। आप जब भी ये वाला बर्गर खाने हैं इस बच्चे से फ्राइज़ ज़रूर लीजिएगा। फाइनली खा लिया। बहुत भूख लग रही थी। कहाँ था ना, दो बर्गर और एक मैं फिनिश किया है आज, मैंने पूरा खाना खाया है। ओके, ये रहे वो बच्चे, हाय करें। इनके साथ ही आज की वीडियो होती है यहाँ पे एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक और शेयर करना है, और हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक को सब्सक्राइब भी करना है। तो आपके साथ मेरे साथ आपकी मुलाकात होती है वर्ल्ड फूड के एक और मज़ेदार एपिसोड में। तो दिस इज़ मी हिरा, और आपका नाम उमर याद आ गया इसको। खुदा हाफिज़।